हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 14वां बाब 27-31 आयात मुकद्दसा। मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ, अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है उसी तरह मैं नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और कि तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझे प्यार करते तो तुम खुश होते कि मैं बाप के पास जाता हूँ, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। और अब मैंने तुमसे इसके होने से पेशतर कह दिया है, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ। अब से मैं तुमसे बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और उसका मुझ में कुछ नहीं। लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं बाप को प्यार करता हूँ, और कि जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। उठो यहाँ से चलें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ मोमिनीन, मैं ब्रदर इरफान क्राइस्ट टोपी नेशनल कैथलिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी कराची में इल्मे इलाहियात के साले चहारम का तालिब इल्म आज की पुरमुसर्रत सुबह आप सब के साथ खुदा का जिंदा और जावेद कलाम बांटने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आइए कलाम पाक की नायाब और अनमोल बातों से फैजयाब होते हैं। अजीज मोमिनीन, आज की पहली तलावत हमने रसूलों के अमाल के 14वें बाब में से सुनी है। रसूलों के अमाल का 13वां, 14वां और 15वां भाग मुकद्दस पौलुस रसूल के पहले बशारती सफ़र पर मुश्तमिल है। पौलुस रसूल बरनबास के साथ अपने पहले बशारती सफ़र का आगाज अंताकिया से करता है, और अंताकिया ही वो जगह है जहां पर खुदा यीशु अलमसीह के शागिर्द पहली बार मसीही कहलाए। पहले बशारती सफ़र में यूहन्ना मरकुस भी पौलुस रसूल और बरनबास का मुआवन था। मुकद्दस पौलुस रसूल और बरनबास अंताकिया और कुनिया में खुदा के कलाम की मुनादी करने के बाद लुस्त्रा में भी खुदा यीशु अलमसीह की खुशखबरी फैलाते हैं। इनके कलाम से ना सिर्फ अहले यहूद बल्कि गैर कौम लोग भी अलमसीह के हल्का अहबाब में शामिल होते हैं। बहुत से यहूदी पक्की और फरीसी पौलुस की मुखालफत भी करते हैं, और यही वजह है लुस्त्रा में आकर पौलुस रसूल के ये मुखालफिन वहाँ के लोगों को पौलुस और बरनबास के खिलाफ उबारते हैं, यहाँ तक कि पौलुस को संसार करते हैं और ये समझकर कि वो मर चुका है उसे घसीट कर शहर से बाहर फेंक देते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल के मुखालफिन उसे शहर से बाहर क्यों फेंकते हैं? क्योंकि लुस्त्रा रोमियों की एक कॉलोनी थी और पौलुस रसूल रोमी शहरियत रखता था। रोमी कानून में ये बात दर्ज थी कि किसी भी रोमी शहरी को शहर के अंदर कत्ल नहीं किया जा सकता था। इसीलिए रोमियों के डर और खौफ की वजह से पौलुस रसूल के मुखालफिन उसे शहर से बाहर फेंक जाते हैं। पौलुस रसूल एक बहादुर और जुरतमंद खादिम खुदा था। इसी वजह से जैसे ही उसका सांस बहाल होता है वो दोबारा बरनबास को साथ लेकर उसी शहर में जाता है जहां पहले उसे संसार किया गया था। पौलुस रसूल को खुदा के कलाम के प्रचार के लिए सख्त से सख्त सजा भी कबूल थी। पौलुस रसूल और बरनबास
इकोनिया और लुस्त्रा में खुदा का कलाम फैलाने के बाद वापस अंताकिया में चले जाते हैं, जहां से उन्होंने अपने पहले बशारती सफर का आगाज किया था। पुलिस ना सिर्फ खुद अजियतों और मुसीबतों में खुदाम अलसी का वफादार खादिम रहा, बल्कि जिन तक उसने खुदा का कलाम पहुंचाया, उन्हें भी दिलों को मजबूत रखने और ईमान पर कायम रहने की तलकीन करता रहा। पलूस रसूल ने नौ बुरी मसीहियों पर, जो यहूदियों और गैर कौमों में से मसीहियत में आए थे, एक बात वाज़े कर दी कि दुख उठाकर और सब से सह कर ही हम खुदा की बादशाही में शामिल हो सकते हैं। पलूस रसूल और बरनबास ने नौ बुरी मसीहियों में से, जो खुदा यीशु अलमसीह पर ईमान लाए थे, दुआ और रोज़ा के साथ उन पर हाथ रखकर उन्हें कहानत के रुतबे पर फाइज किया और खुद पंफूलिया, पसीदिया, परजा और अतालिया में खुदावंद के कलाम की तशहीर करने रवाना हो गए और अपने पहले बशारती सफर का इख्तिताम अंताकिया में आकर किया, जहां रूहुल कुदुस ने उन्हें खुदा की कलाम की खत्म करने का काम सौंपा था, जिसे उन्होंने नहायत वफादारी के साथ पाया तकमील तक पहुंचाया। अंताकिया की मुकामी कलीसिया को उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई कि खुदा हर वक्त उनके साथ था और खुदा ने ना सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि गैर कौमों के लिए भी अबदी निजात का दरवाज़ा खोल दिया। अजीज मोमिनीन, आज का अंजीली इकतबास हमने मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के 14वें बाब में से सुना है। यूहन्ना की अंजील का ये बाब क़यामत अल-मसीह के बाद यीशु अल-मसीह की अलविदाई तकरीर पर मुश्तमिल है, जिसमें यीशु अल-मसीह अपने शागिर्दों को दो बार इन अल्फाज के साथ तसल्ली देता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। इसी बाब में यीशु अल-मसीह अपने शागिर्दों के साथ दूसरे वकील यानी रूहुल कुदुस का वादा भी करता है कि जब वो बाप के पास वापस जाएगा तो वह तुम्हारे लिए बाप से दरख्वास्त करके रूहुल कुदुस को तुम्हारे पास भेजेगा, ताकि वो तुम्हें तमाम बातें बता सके जो कुछ अल-मसीह ने उनसे कही थी। मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ। यीशु अल-मसीह के ये अल्फाज रोमाई अकदास नामे में सलामती की दुआ है। सलामती यीशु अल-मसीह का बेशकीमत तोहफा है और यही तोहफा वो हमें अता करता है। मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु अल-मसीह जब शागिर्दों पर पहली बार जाहिर हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को इसी तरह से मुखातिब किया कि तुम्हें सलामती हासिल हो। यीशु की सलामती और दुनिया की सलामती में बहुत फर्क है। दुनिया की सलामती आर्जी, गैर यकीनी और जिस्मानी है, जबकि यीशु अल-मसीह की सलामती अपने अंदर हमेशगी रखती है। ये ऐसी सलामती है जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो दिलों को तस्कीन पहुंचाती है, जिससे रूह में शगुफ्तगी और ताजगी आती है। और यही हदायत यीशु अपने 72 शागिर्दों को उस वक्त करता है जब उन्हें दो दो करके मुख्तलिफ शहरों और गांवों में मुनादी करने के लिए रवाना करता है और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर को सलाम। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के 14वें बाब में यीशु 24 बार खुदा को बाप कहकर मुखातिब करता है और आज के अंजीली इकतबास में 4 बार यीशु बाप का लफ्ज इस्तेमाल करता है। यीशु अल-मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद बाप के पास वापस जाने को है और फरमाता है कि बाप मुझसे बड़ा है। इंसानी फितरत रखते हुए यीशु अपने बाप से छोटा है, जबकि इलाही फितरत रखते हुए बाप के बराबर है। इसीलिए यूहन्ना की अंजील के 10वें बाप की 30वीं आयत में यीशु खुद फरमाता है कि मैं और बाप एक हैं। यीशु अल-मसीह अपनी अलविदाई तकरीर में अपने शागिर्दों को दुनिया के सरदार की बाबत
खबरदार करता है और फरमाता है कि उसका मुझ पर कोई इख्तियार नहीं, वो मुझ पर कोई ताकत नहीं रखता। कि दुनिया का सरदार कौन है? कि दुनिया का सरदार अबलीस यानी शैतान है। वो शैतान जो यीशु अलमसीह को दूसरी आजमाइश के वक्त ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब मलकतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू गिरकर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा। यीशु अलमसीह पिलातुस को जवाब देता है कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले न किया जाता, मगर मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। जहाँ तक खुदा का कलाम दुनिया में फरोग पा रहा है, बदी भी उसी कदर बढ़ती जा रही है। यीशु अलमसीह 14वें बाब के आखिर में अपने बाप से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है कि वो अपने बाप से बहुत प्यार करता है और इसी मोहब्बत की वजह से वो अपने बाप का इतना फरमानबरदार है कि जो काम बाप उसे करने को कहता है बेटा बड़ी खुशी के साथ वो काम सर अंजाम देता है। मेरे अजीजों, आज यीशु अलमसीह हमें भी बाखबर करता है कि हम दुनिया के सरदार से अपने आप को बचा कर रखें, खौफ ज़दा ना हों, अलमसीह पर पुख्ता ईमान रखें, खुदा यीशु अलमसीह की सलामती को कबूल करें और दूसरों तक भी इस सलामती को पहुँचाएँ। पौलुस रसूल और बरनबास की मानिंद अजियतों, परेशानियों और मुसीबतों को सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। तो मसीह खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता करे। आमीन।